राम जन्मभूमि से ऑर्डर मिला था हमको करीब 2 महीने 3 महीने बरसात से पहले। ये ऑर्डर मिलता है ठंडी के समय जब पथाई चालू होती है नवंबर दिसंबर में, वो जनवरी फरवरी के आसपास ऑर्डर दिया हुआ था। उसी के बाद माल तो कच्ची ईंट पथाई करा के तैयार कराया गया। अब पक्का जैसे जैसे वो लोग ऑर्डर देते हैं वैसे वैसे सप्लाई दी जाती है वहाँ। कितनी सप्लाई दे चुके हैं? करीब वहाँ पे हम वही 1.5-2 लाख ईंटें सप्लाई हो चुकी है। तो अभी आपके पास कितने ईंटें हैं? 1 लाख ईंटें होंगे श्री राम के नाम का। अब क्या ऑर्डर का क्या रूप है? अब वहाँ पे इस समय स्टॉक लगा हुआ है और 1-2 भट्टे वाले हैं माल देते रहते हैं। अब जब वहाँ पे जैसे जैसे माल खत्म होगा वैसे वैसे ऑर्डर देते रहेंगे और सप्लाई होती रहेगी। कितना दिन हुआ आपने अभी माल दिया था वापस? वहाँ पे हम करीब 1-1.5 महीना पहले दिए थे। भगवान राम लला का मंदिर बन रहा है, इसमें आपके ईंटें
राम नाम की ईंटें, कैसे कहाँ से ऑर्डर मिला आपको, क्या है, कितनी ईंटें अभी तक आपने की? L&T जो इस कार्य को कर रही है उसके जो प्रमुख कर्ता धर्ता हैं और ट्रस्ट से डॉक्टर अनिल मिश्रा जी ने मुझसे संपर्क किया था और उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण में ईंटों की भी आपूर्ति होनी है और श्रीराम 2023 के नाम से इन ईंटों का निर्माण आप अपने यहाँ करवा दीजिए, क्योंकि इस कारोबार में मेरे परिवार को 4 पीढ़ियां हो गई हैं। 1910 से लगभग ये व्यापार हमारे परिवार में हो रहा है और जो ईंटें उस समय चबूतरे और उस पर निकली थी, जो विवाद का वो था, उसमें भी हमारे दादाजी के नाम पर VNS की ईंटें निकली थी, तो निश्चित रूप से हमारे मन में ये एक भाव था कि उस समय भी राम मंदिर या जन्मभूमि पर जो है ईंटें गई थी और ये जो नया भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें भी हमारी ईंटें चली जाएं। तो मैंने एक पगमेल मशीन मंगाई जिसमें मिट्टी को गुथ करके और मजबूत ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है और उससे अपने पत्थरों को हमने वो मिट्टी दी और ये श्री राम 2023 ईंटों का निर्माण किया। जो स्ट्रेंथ इन्होंने हमको मांगी थी हमारे ईंटों में, आज उसकी दोगुनी स्ट्रेंथ है और लगभग 9 लाख ईंटों का अनुबंध हमारा और L&T का हुआ था, जिसमें से 8 लाख ईंटें जा चुकी हैं, 1-8 लाख ईंटा और बचा है, लेकिन जो भी उनकी ज़रूरत होगी मंदिर को पूर्ण कराने के लिए, जो भी निर्माण में ज़रूरत होगी वो सारी ईंटें हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे।